हेलो, मैडम को फोन दे। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? ए प्यारे मोहन, मैडम को फोन दे वरना खलास। क्या कहा? खलास कर डालेगा? एक काम कर, मैं मैडम को देता हूँ, तू उससे ही बात कर। एक मिनट। हेलो मैडम, कोई मुझे खलास, मेरा मतलब है आपको कोई खलास खलास करने की धमकी दे रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? मैडम आप ही बात कर लीजिए। दो से। हेलो, कौन बोल रहा है? कितनी बार फोन करके बोलना पड़ेगा कि हॉस्टल खाली कर दो? देखो मिस्टर, तुम जो भी हो मर्दों की तरह बात करो, यू ना मर्दों की तरह मुझे ब्लैंक कॉल मत दिया करो। जिस दिन मैं हॉस्टल में आया उस दिन हॉस्टल में तबाही मचाएगी और उसे देखकर तुम्हारे दिल की धड़कन खुद ब खुद रुक जाएगी। धमकी दे रहे हो मुझे? इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर अपनी और अपने हॉस्टल के लड़कियों की भलाई चाहती हो तो कुछ पैसे लेकर दफा हो जाओ। तुम चाहे इस हॉस्टल की जो भी कीमत लगा लो, मैं ये हॉस्टल खाली नहीं करूंगी, बिल्कुल ही नहीं। मुझसे पंगा लेगी? हेलो मैडम, मैं राखी। हेलो राखी, कैसा रहा सफर तुम्हारा? अच्छा रहा। अच्छा, मैं सबसे मिलवाती हूँ। यह सपना। हाय। हाय। यह संगीता। हेलो। यह जूली। हाय। अपना जासूसी दिमाग लगाना बंद करो। ये राखी है। राखी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। फिर तो मैडम आपको यह भी याद होगा कि रोज नाम की लड़की जो कि एक साल पहले आपके हॉस्टल से लापता हो गई और ये हरामजादा शराब के नशे में अपने दोस्त से कह रहा था कि इसने 20,000 रुपए लेकर उस लड़की की लाश कहीं गाड़ी है और ये हरामजादा मुझे बताएगा कि इसने उस लड़की की लाश कहां पर गाड़ कर रखी है। और इस हरामजादे ने मुझे उस लड़की के बारे में नहीं बताया ना, तो मैं इस हरामजादे की हड्डियां तोड़ दूंगा। बता साले, तूने उस लड़की की लाश कहां गाड़ के रखी है? बता 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 बता। हाँ सुनो मैडम, अब बताएगा। बताता हूँ साहब। अब बता तू। बताता हूँ साहब, हॉस्टल के पीछे, हॉस्टल के पीछे। चलो सपना, हम ऊपर से देखते हैं। हाँ हाँ, ये चलो चलो। भयानक दिखती है रोज। अरे पागल, वो रोज नहीं, रोज की हड्डियों का ढांचा है। मैडम इसको पहचानती हैं? हाँ, ये तो रोज का नेकलेस है। ओके औलदार, एक ढांचा ले चलो। मैडम आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम वॉचमैन के जरिए सारी मालूमात कर लेंगे। ये लीजिए मैडम। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो। ओके मैडम, मैं चलता हूँ। चल बस। आ गए। किसके बेटे हो? डॉक्टर बत्रा। डॉक्टर बत्रा, शहर के मशहूर डॉक्टर। और तुम किसके बेटे हो? जी मजिस्ट्रेट नरेंद्र प्रताप सिन्हा। मजिस्ट्रेट साहब के बेटे हो? और तुम? मंत्री लीना सर। मंत्री जी के बेटे हो? और तुम? सर मेरे डैडी एडवोकेट हैं, धनंजय प्रसाद। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इतने बड़े बड़े घर के बेटे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को?
अपने पापों का तो ख्याल किया होता, कॉलेज का तो ख्याल किया होता। तुम्हें पता है तुमने कितना घिनौना काम किया है, कितना बड़ा अपराध किया है। तुम लोगों की वजह से जिस लड़की की तुमने रैगिंग की थी ना, उसने आत्महत्या कर ली है। कॉलेज का नाम बदनाम हो गया है, शहर का नाम बदनाम हो गया है, मेरा नाम बदनाम हो गया है। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों को इस कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। प्रिंसिपल साहब, सर, हम लोगों ने, विजय ने हमारी वजह से सुसाइड नहीं किया, हमने उसकी रैगिंग नहीं की। आप पूछे नहीं सर। सर ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। मुझे कोई पूछने की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई सफाई चाहिए। मैं तुम लोग को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। कुछ नहीं कर पाएंगे सर। ठीक है, मैं जानता हूँ कि रिस्ट्रिक्ट कर देने के बाद तुम लोगों का कोई कैरियर नहीं होगा, तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। ये सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं तुम लोगों को इस बार माफ करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन हाँ, आइंदा अगर किसी प्रकार की शिकायत मेरे पास आई, कभी नहीं सर, नहीं आएगी, कभी नहीं, तो तुम लोगों के नाम नोटिस बोर्ड पे डिस्ट्रिक्ट किए हुए मिलेंगे। समझ गए ना तुम लोग? समझ गए? तुम समझे? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो ठीक है, जाओ। थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है। क्या माल है यार? अरे मैं तो देख के ही मर गया यार। क्या मस्त है यार। इसको तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ नहीं, चलो यहाँ से, चलो चलो। अरे लिया बेटी, तुम बेटी आज तो रोज से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, कहीं किसी की नजर न लग जाए। नहीं पापा, आपकी बेटी को किसी की नजर नहीं लगेगी, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? जानता हूँ बेटी, जानता हूँ, लेकिन इस जमाने को क्या कहूँ। खुली सड़क पर लोग यहाँ भूखे भेड़ियों की तरह घूमते रहते हैं, पता नहीं कब किसको निकल जाए। आपकी बेटी को इतनी आसानी से कोई नहीं निकल सकता पापा, बिल्कुल घबराइए मत आप। ठीक है बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपने आप को संभालना बेटी। जी पापा। अच्छा बेटी, मैडम कौन है? अरे बाहर निकल, चल बाहर निकल। तो तू है इस हॉस्टल की मैडम? हाँ, तुम कौन हो? ए ज्यादा बंकस नहीं करने का क्या? अपन जो बोलेगा वो चुपचाप सुनने का क्या? अब यहाँ से जल्दी बोरिया बिस्तर उठा और दफा हो जा। क्या जल्दी बाहर निकल, चल। मैडम ये तो हॉस्टल खाली करने को ऐसे कह रहे हैं जैसे म्युनिसिपैलिटी वाले कोई दावा खाली करवाते हैं। चल शानाबान, ये हॉस्टल अपन का है, चुपचाप से निकल जा वरना मुंडी से तंगड़ी, तंगड़ी से करके 50-50 कर डालेगा। ए चल निकल, पत निकल इसे। मैडम चलो हम लोग भाग चलते हैं। ओ शट अप, वरना भी पुलिस को फोन करूंगी मैं। फोन करेगी? अरे हमने हॉस्टल में लगे टेलीफोन के सारे तार काट दिए हैं। तार काट दिए तो क्या हुआ, हमारी मैडम के पास और एक चीज है। मैडम जरा वो अपना निकालिए ना। क्या? मोबाइल। फालतू की बकवास मत करो तुम। ए चिकनी तू कौन है? तेरा नाम क्या है चिकने? मेरा नाम सलीम है, सलीम। आय हाय, बड़ा प्यारा नाम है सलीम ना। अरे सलीम, तुझे पता है तेरा नाम है ना? देख मेरे हाथों में लिखा हुआ है, देख। अच्छा, देख इधर आना, देख। हा? दिखा, देख। ए, चलो पकड़ो उसको। Oh, my God.
नन्नी का हाथ बहुत चलता है। चलता है ना? माफ कर दो मैडम, मुझे माफ कर दो, मुझे जाना है, घर जाना है। चल माफी मांग मैडम से। खाना नहीं, हॉस्पिटल जाना है। चल जाता हूँ। काला टकला आया था बारात लेकर। मैं दोनों को बेवकूफ बनाऊंगी। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। वाह वाह, कितना अच्छा गा लेती हो, कितनी अच्छी है तुम्हारी। मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा देती हूँ, लेकिन प्यारे मेरी कोई लेता ही नहीं। क्यों क्यों, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्या देगी वो तू देना। मेरे पास और एक चीज है, वो दू। पता ना जानू वो क्या है, खून निकल आएगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे डालने से खून निकल आएगा? डरने की कोई बात नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसको डालने से खून निकल आता है, वो है ये चूड़ी। आए डाले चूड़िया लाए हो मेरे लिए। और क्या लाए हो प्यारे? और एक चीज लाए हो। हाँ बताओ ना। तुम्हारे दिल की धड़कन धक 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 करेगी। बताओ तो जल्दी बताओ ना। पर डालिंग किसी से बताना नहीं, ये है गले का हार यानी के नेकलेस। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत प्यारे, इतने बदसूरत तुम हो, ये बहुत ही अच्छा है। और कुछ है क्या? वो भी है लेकिन यानी है, वो मुझे जाकर लाना पड़ेगा। तो जाओ ना जल्दी लेकर आओ ना प्यारे। एक मिनट रुकना, मैं गया, मैं आया, मैं गया, मैं आया, मैं गया। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के दिल ये हार। हम चले आए जान हथेली पर ले आए रे। बहुत जोश में हो, क्या बात है, तुम भी मेरे लिए कुछ लाए हो या नहीं? मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो क्या है? अरे वो मुरारी कंगाल तुम्हें क्या देगा? हुँ? जो मैं तुम्हें दूंगा, मालूम है मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ? क्या? दिखा दूँ? दिखाओ ना। रुक जाओ ना, दिखा दूँ? दिखाओ ना। आंखें बंद करो। दाई या बाई? मेरा मतलब दोनों की दोनों। ये लो। क्या हुआ? काटा ये ना। लगा दिया काटा, हो गया काटा। ये तो खून निकल रहा है। कोई है? कोई है? राहुल, सूरज तुम? नहीं मैडम नहीं। तुम लोग हॉस्टल में क्या कर रहे हो? वॉचमैन निकालो इन लोगों को बाहर। ठीक है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे भागो, अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे अबे काशी को धक्का दिया। मैडम आप चिंता न करें, मैं अभी पकड़ता हूँ। हेलो मैडम, तुमने मेरे आदमी को मारकर अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे देख लेंगे, हम नहीं डरते किसी अंजाम अंजाम से, जो अंजाम से डरते हैं वो तुम्हारी तरफ भोगते रहते हैं, समझे? हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। आऊंगा एक दिन तुम्हारे सामने, जरूर आऊंगा, लेकिन जिस दिन मैं सामने आऊंगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चुपचाप कटो, जल्दी से हॉस्टल खाली कर दे, समझे? मैडम ये टपकाने वाले का फोन था, लेकिन आप घबराइए मत, इस टपकाने वाले के सर पर ऐसा टप्पू मारूंगा आइंदा वो टपकाने वाला किसी को टप्पू मारना छोड़ देगा। जय शट अप।
हाय प्रिया। हाय डार्लिंग। कौन है तुम लोग? कैसी हो जाने मन? पहचानो कौन है हम लोग? तुम्हारे कदरदान है जान। इतनी जल्दी भूल गई? तुम्हारे चाहने वाले हैं जान। What nonsense? अच्छा अच्छा अच्छा, अब हमें से ये बताना पड़ेगा कि हम लोग कौन हैं। I said go away, don't touch me, leave me. आजा मेरी जान पर। क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। अरे आजा। I said leave me. आजा जन्नत की सैर कराएं। छोड़ो मुझे। Leave me. क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे तो बेहोश हो गई। चलो इसे जंगल में फेंक देते हैं, जंगली जानवर का नाश्ता बन जाएगी। काशी देख के चला कर कितनी बार का है। अबे भूत, मैं इतने दिनों से उस भूतनी के साथ रह रहा हूँ, मैं डरा नहीं। भूत? अबे कहाँ भूतनी? काशी अपनी मैडम है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अबे हंस मत तू, हमें सचमुच भूत है। काशी तू कोई ख्वाब देख रहा है? ख्वाब? मुझे लगता है पागल हो गया है। मैं पागल नहीं हुआ काशी, मैं सही बोल रहा हूँ, तू ख्वाब मत देखा कर। काशी इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि रोज को उसके बॉयफ्रेंड और बहादुर सिंह ने मिलकर मारा था। बॉयफ्रेंड? क्या तुम लोग जानती हो कि रोज का बॉयफ्रेंड कौन था? मैंने भी एक बार अखबार में पढ़ा था कि एक लड़की का खून करके उसे गाड़ दिया गया था और बाद में लोगों को भूत बन के घूमती हुई नजर आई। अरे यार तुम लोग बेकार ही डर रहे हो, अगर रोज की आत्मा है भी तो हमें क्यों मारेगी? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? नहीं छोड़ेंगे इसे, मार डालूंगी, क्या समझते हैं अपने आपको? अरे किसे नहीं छोड़ेंगी, उस इंस्पेक्टर विजय के बच्चे को। क्यों, क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? क्या बिगाड़ा? एक बार भी उसने मेरी तब देखा नहीं, स्माइल तो छोड़ो। क्यों, वो तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है वो। क्या वक्ति है, कब से चल रहा है चक्कर? डेढ़ साल से, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे पागल, ये तो सोच अगर उस मैडम के सामने उसने तुझे स्माइल लिया होता तो क्या हालत होती तेरी। हाँ यार सच कहती है तू, चल चल सो जा, 12 बज गए हैं, उस मैडम को पता चला तो अपने 12 बजा देगी। चल गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या कर रहे हो? अरे किरण, 15 दिन पहले तुम्हारा जन्मदिन था और अभी तक तुमने मेरा मुंह मीठा नहीं करवाया। बड़ी बेशरम हो। अरे आदमी अगर शर्माने लगे पागल तो ये देश की आबादी का क्या होगा? अच्छा
बड़े बेशरम हो। बेशरम बनना शादी के बाद। गुड मॉर्निंग। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फोन मैडम का था, है ना? राहुल, मैं देख रहा हूं कि तुम दिन ब दिन बहुत बदतमीज होते चले जा रहे हो, बहुत गिरी हुई हरकतें करने लगे हो। सुजाता, मेरे लिए कोई फोन था? हाँ, अनीता का 2 बजे मिलने के लिए कहा है। सुजाता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लड़कियों के मैसेज राहुल को मत दिया करो। अंकल, सुजाता मेरी सेक्रेटरी है, ना कि आपकी। पापा ने मरते वक्त आपको ट्रस्टी बनाया था, ना कि जायदाद का मालिक। ये तो वक्त ही बताएगा बच्चे। आइंदा आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी ना करें तो बेहतर होगा, समझे? अब तो न तू रहेगा न तेरे जायदाद। बड़े आज भाषण देने वाला। ये वही लॉकेट है जो रोज के कब्र से मिला था। आई थिंक ये वही लॉकेट है जो आपने से गिफ्ट दिया था फर्स्ट क्लास मिलने पर। इंस्पेक्टर ने कहा था कि उसका सामान आपको दे दिया जाए। कैसी हैरत की बात है ना, हम सोचते थे रोज किसी लड़की के साथ भागे, लेकिन आप भी तो आए नहीं उसका सामान लेने। आप यहाँ से गोवा ही जाएंगे ना, किसी को बुलवा दो, आपको बस स्टैंड तक छोड़ देगा। अरे बाप रे, ये तो मिस्टर जॉन है। लगता है ये तो बेहोश हो गया, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इसको। लक्ष्मी, ये क्या लेके जा रही हो? हलवा। हलवा किसके लिए? काशीराम के लिए। हाँ, प्यार मुझसे करती हो और हलवा काशीराम के लिए? हाँ। जानम समझा करो। क्या समझा करो, दूध मुझे पिलाती हो और मलाई काशीराम को खिलाती हो, यही समझा करूं? अरे वो क्या है ना, इस हलवे में अभी अभी बिल्ली ने मुंह मार दी। अच्छा ये बात है? अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा आइए आइए पधारिए। बच्चा तुम काशी और लक्ष्मी के बीच में मत आओ। लेकिन बाबा, मैं और लक्ष्मी आपस में प्यार करते हैं। हाँ? ये तुम्हारी भूल है, काशी और लक्ष्मी दोनों जन्म जन्मांतर से पति पत्नी हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। जो भी इन लोगों के बीच में आएगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। वैसे भी मुझे मरना है, अगर लक्ष्मी मेरी नहीं हुई तो मैं जिक्र क्या करूंगा? बच्चा, तुम काशी के बच्चों को खिलाओगे और तुम्हें मामा कह के पुकारेंगे। लगता है बाबा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। देखा होगा बे। आया मालकिन थाली। काशी, अबे मारूंगा जापर तो जाएगा काशी। जय बात कमबख्त कहीं का। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। अरे हुजूर, इतनी चुप क्यों है? वल्लाह इसे गुस्सा समझो या प्यार। ये सब छोड़ो जाने मन, ये बताओ कि मेरे बाहों में कब आ रही हो? समय की नजाकत को समझो, अभी राहुल घर पे है। जब राहुल चला जाएगा तब तो मेरी बाहों में आ जाओगी ना? बदमाश कहीं के। ओके ओके। हेलो डार्लिंग। क्या? अच्छा मैडम, अपने हस्बैंड से मिलने पुणे जा रही है? डोंट वरी, कोई बात नहीं, वॉचमैन की ऐसी की तैसी, आज रात को मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ओके, टेक केयर, चलो बाय। बहुत बुरी मौत मरेगा।
ये क्या कर रही है? अरे पागल, 12:30 बजे हैं, क्या राती होगी? हाँ हाँ, मुझे ठीक कह रही है। चलो तुम्हें आज कुछ अजीब सा लग रहा है। जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करो तुम, करो, चलो, चलो मुझे, करो, करो। लड़कियों ने कोई शरारत तो नहीं की? नहीं मैडम। अच्छा राहुल, तुम क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ? राहुल, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कितनी घबराई हुई क्यों? क्या बात है? खून हो गया। किसका? राहुल का किसी ने खून कर दिया। क्या बकवास कर रही हो? ये सच है, राहुल की लाश मैडम के कमरे से मिली। नहीं, राहुल! लगता है खून देखकर बेहोश हो गई है। हवलदार, यस सर। डॉक्टर को बुलाओ। यस सर। पर
कितने साल से काम कर रहे हैं? अजी पूरा साल हो गया है। मैडम के चले जाने के बाद यहाँ पर कौन कौन आया था? जी वो कोई नहीं आयो। तो फिर वो लड़का कैसे अंदर आ गया? क्या आप लोगों में से उस खून के बारे में कोई बता सकता है? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये खून किसने किया है? ये खून किसी इंसान ने नहीं बल्कि रोज की आत्मा ने किया है। शराब पियो। साहब, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब को अंदर लेके जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल की किसी के साथ दुश्मनी हो और उसने उसे जान से मारने की धमकी दी हो? धमकी तो दी थी सर, राहुल को दो लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। तो आप ये बता सकती हैं कि किस किसने उसे धमकी दी? एक बार तो मैडम ने, जब राहुल चोरी छिपे हॉस्टल में घुसाया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने राहुल का खून किया? हो सकता है, हो सकता है कि खून आपने किया हो, क्योंकि जिस तरह से आपने उसे जान से मारने की धमकी दी, ठीक उसी तरह आपने उसे जान से मार दिया। ये सरासर झूठ है। झूठ और सच का फैसला तो बाद में होगा। आप ये बताइए कि आपने उसे जान से मारने की धमकी दी थी या नहीं? हाँ मैंने दी थी। किरण, तुम दूसरे आदमी के बारे में बताओ। मैडम ने जब कॉलेज के प्रिंसिपल सक्सेना साहब को राहुल की हरकतों के बारे में बताया, अच्छा, तब उन्होंने राहुल को अपने कैबिन में बुलाकर गुस्से से जान से मारने की धमकी दी थी। मुझे बड़ी शर्म आती कि तुम जैसे लड़के मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं। बाय द वे, तुम लोग किस लड़की से मिलते हो? अभी एक लड़की का नाम बताना तो मुश्किल है सर, मुझे तो रोज मिल जाती है, इश्क लड़ा लेता हूँ। इश्क लड़ाते वक्त मैं लड़की से अता पता नहीं पूछता हूँ सर। देखा सर, देखा आपने, आपके सामने भी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, आप इसे समझा दीजिए। आइंदा अगर ये हॉस्टल में आया तो मैं इसे सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगी। हम भी पुलिस स्टेशन जाने को तैयार है सर, लेकिन सक्सेना साहब अब आप ही बताइए, आपने अपनी बेटी को तो भेज दिया इतनी दूर खंडाला और हम फंसे हुए यहाँ पर इतनी दूर। मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ, डोंट वरी, मैं अभी जाता हूँ खंडाला। ओके सर, सर उसे छोड़ दीजिए सर। दोबारा अपनी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया ना तो तेरी जुबान काट लूंगा, समझ गया तू? जान से मार दूंगा तुझे। मेरा गिरेबान पकड़ के आपने मेरा हौसला और बुलंद कर दिया है, अब मैं आपकी बेटी से जरूर मिलूंगा। यू आर रेस्ट्रिक्टेड। हाँ मिलूंगा। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। घबराने की कोई बात नहीं है, वैसे मां बनने वाली है। What? मैं नहीं मानता इसकी बात को, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। अगर राहुल को शादी करनी होती तो कम से कम मुझसे तो जरूर बताता। ये लड़की किसी और का पाप मेरे भतीजे के सर पर मर रही है। मिस्टर खुराना, कोई भी लड़की इस तरह खुलेआम किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगी कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, समझे? सब कुछ कर सकती है मेरी इस दौलत की खातिर। आपकी दौलत? जहां तक मैं समझता हूं ये दौलत राहुल की थी। अरे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल की दौलत पाने के लिए आपने उसको आए? इंस्पेक्टर आप कहना क्या चाहते हैं कि राहुल का खून मैंने किया है, मैंने अपने भतीजे को मार डाला है? जी, इस तरह का बेबुनियाद इल्जाम मुझ पर लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और आपके पास क्या सबूत है कि राहुल ने उस लड़की से शादी की है? क्या सबूत है आपके पास? है सबूत, जो राहुल उसके पर्सनल डायरी में बातें लिखता था, अगर वो डायरी सामने आ जाएगी तो सारी सच्चाई खुल जाएगी। मिस्टर कुराना, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राहुल का कमरा कौन सा है? ऊपर है। हवलदार, राहुल के कमरे की तलाशी लो। जी। अभी पता चल जाएगा। कमरे में कुछ भी नहीं मिला साहब। अच्छा, हाँ ठीक है। तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, तुम वहां और मैं यहाँ पुणे में, तुम्हें हॉस्टल छोड़ क्यों नहीं देती? मम्मी चाहती थी कि उनके मरने के बाद हॉस्टल मैं संभालूं। ये बात मैंने तुम्हें शादी के पहले भी बताई थी, तुमने हाँ भी कहा था। अब मैं हॉस्टल नहीं छोड़ सकती।
अच्छा बाबा ठीक है, मैं तो तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अब तुम्हें दूंगी। ऐसी भी क्या जल्दी है, हम तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। अरे अरे काशी, ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, कुछ कुछ कर रहा हूँ ना। चलो मैडम आती होगी अभी। अरे मैडम को मारो गोली, हर वो रात के 12 बजे आएगी, उससे पहले हम कुछ कुछ कर लेते हैं ना। ठहर जाना जरा, अभी सही वक्त नहीं है करने का, पहले थोड़ा पैसे देना मुझे। पैसे? ये ले पैसे। अब तो आ जा। नहीं काशी, अरे अरे अरे, ये कोई सही वक्त नहीं है कुछ करने का, इसमें थोड़ा काम करके आ जाऊं काशी। अरे क्या कह रहे हो मेरी जान, तुम घड़ी दिखाकर घड़ी घंटाल बना रही हो। ये घड़ी भी तो तुमने ही दी है, बड़े प्यार से। कोई बात नहीं, नहीं छोड़ूंगा, आ रहा हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कहिए। क्यों चौंक गए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सक्सेना साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि राहुल का कत्ल हो चुका है और मारने की धमकी भी आपने उसको दी थी। हाँ, जान से मारने की धमकी मैंने जरूर दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसका खून किया। सक्सेना साहब, राहुल ने आपकी बेटी को खंडारा ले जाने के लिए कहा था, इस बात पर आपका खून खौल उठा और आपने राहुल का कॉलर पकड़कर उसे जान से मारने की धमकी दी, और फिर उसके बाद आपको पता चला कि राहुल ने खंडाला जाकर आपकी बेटी के साथ बदतमीजी की, तो फिर आपका खून खौल उठा हुआ और उसके बाद आपने जान से मार दिया। समझदार। मार देता मैं उसे, जरूर जान से मार देता, लेकिन मैं मजबूर था। मैं जानता था कि अगर मैं राहुल को जान से मारूंगा तो उसकी सजा मुझे मिलती, लेकिन मेरी बेटी अकेली रह जाती और उसका इस दुनिया में मेरे सिवाय कोई नहीं। ओ, फिर भी अगर आपको लगता है कि राहुल का खून मैंने किया है तो आप सबूत लाइए और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सक्सेना साहब, सबूत भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि 26 जुलाई की रात आप कहां थे? हां याद आया, उस रात मैं घर पर था और गहरी नींद में मीठे मीठे सपने देख रहा था। ओ, इंस्पेक्टर साहब, मैंने देखा कि राहुल का खून हो गया। अच्छा। और वो तड़प तड़प कर अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। मैंने देखा कि अचानक वो गिरा और मर गया। तब मुझे विश्वास हुआ कि कभी कभी सुबह के सपने भी सच हो जाते हैं। सच में साहब, हकीकत को कभी नहीं छुपाया जा सकता, वो किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाती है। सक्सेना साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक मैं इस कत्ल के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ना कर लूं, तब तक आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे शक का दायरा आपके ऊपर भी जाता है। हां इंस्पेक्टर साहब, मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक कि आप इस शहर में हैं, लेकिन आपके जाने के बाद तो जा सकता हूं ना। क्यों नहीं, इससे पहले कि मैं शहर छोड़ के जाऊं मैं आपको अंदर कर दूंगा। जय माता दी। चश्मा नहीं कहता। सॉरी सपना, मुझे आने में देर हो गई। हाँ तो तुम किस कातल के बारे में कह रही थी? अरे जानेमन, पहले करीब तो आओ,
अब बताती हूँ कि वो कातिल तुम हो। देखो सपना, मजाक का एक वक्त होता है, समझे तुम? एक तो वैसे मैं परेशान हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। देखो सपना, मजाक का भी एक वक्त होता है। तुमने मुझे फोन करके किसी कातिल के बारे में बताने के लिए बोला था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुमने खून किया है, तुम खूनी हो। पता नहीं किस पागल लड़के को दिल में बैठा हूँ। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ। तुमने राहुल का नाम से मेरे अरमानों का खून किया है, और तुम भी पागल हो। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, इस ड्यूटी का भी बिल्कुल ख्याल नहीं तुम्हें। उस दिन जब तुम हॉस्टल में आए थे, तुमने एक नजर नहीं देखा मुझे। कोई और होता ना तो कम से कम एक आंख तो मार लेता। माफ कीजिएगा, उस वक्त भी मैं ड्यूटी पर था और आज भी ड्यूटी पर हूँ। जब तुम मुझे प्यार नहीं करते तो इतना नाटक क्यों करते हो? आई हेट यू। सेम टू यू। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? मैं अभी जाके अपनी जान दे रही हूँ। अरे रे रे रे, मेरी बात सुन ले, कैसी बात कर रही हैं आप? इतनी खूबसूरत लड़की जाकर जान दे देगी भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, हम भी तेरे से मजाक कर रहे थे और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, समझिए आप। अलग देखिए हमारी तरफ, इधर आइए, गले लग जाइए। ठंडक पड़ गई। आज की रात तो बहुत रंगीन हो जाएगी। हाँ भाई, कर करे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, चारों एक साथ। और इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आई यार? भाई याद तो तुम्हारी रोज आती थी कर करे, लेकिन क्या करे, तुम हो थोड़े सिर फिरे। अच्छा, रात का क्या इंतजाम किया है? भाई अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन आप लोग आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जल्दी करो यार, रात पूरे शबाब पर है यार। मेरे भाई सबर करो, बस यूं गया और यूं आया। वेट फॉर मी। क्या आदत थी यार, हाय कमर तो ऐसी जैसे बल खाती नागिन। कसम से यार, अपनी बाहों में एक बार आ जाए तो अपनी तो लाइफ ही बदल जाएगी यार। ऊपर वाले ने क्या फिगर और क्या पर्सनैलिटी दी उसे, जी तो चाहता उसे अपना बना लूं। अरे यार, जब से उसका जलवा देखा है, दिल तो करता है कि बस उसकी आंखों में समा जाऊं। हेलो हेलो, हु इज दिस? पहचाना नहीं मुझे। क्या है जी? नहीं पहचाना नहीं मैंने आपको। मैं करीना बोल रही हूँ। ओ हाय, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, बड़े इत्तेफाक की बात है। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं आता हूँ ना। तो शाम को मिलते हैं। ओके ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। यस, आई विल बी ऑन टाइम। ठीक है। या किसका फोन था? नहीं ऐसे यार, डैड ने फोन किया था। अच्छा अच्छा, हाय डार्लिंग। हाय हैंडसम, कितना इंतजार कर रहा था मैं तो तुमसे मिलने के लिए। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छा, जन्नत की हूर लग रही हो तुम। वैसे तुम भी काफी हैंडसम लग रहे हो। सच? सच में।
ऑफिसर साहब, अभी तक मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर पुलिस कर रही है। कहाँ है मेरी बेटी? आप चुप क्यों हैं? बताते क्यों नहीं? बोलिए। हिम्मत से काम लीजिए प्रिंसिपल साहब, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, आपकी बेटी बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक कहते हो इंस्पेक्टर साहब, अब तो ऊपर वाले पर ही भरोसा है। वो बहुत लेट हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया। राहुल पर लेके आ गए? हाँ। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं। राहुल, किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। राहुल, तुमने फिर पेपरों की चोरी की? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, इन लोगों के कहने पर किया। झूठ बोलते हो तुम। अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोलते हो, तुम खुद पढ़ाई में कमजोर हो और इन लड़कियों का नाम लेते हो। अरे नहीं, यकीन मानो मैंने कुछ नहीं किया। मेरी कसम और हमारे होने वाली बच्ची की कसम खाई थी कि तुम कभी पेपरों की चोरी नहीं करोगे। मैं तुम्हारी सारी बातें प्रिंसिपल साहिबा को बता दूंगी। तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा सारा कैरियर खराब हो जाएगा। तुम मेरी बात सुनो रोजी, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, तुम ऐसा मत करना प्लीज। रोजी सुनो तो मेरी बात मानो रोजी, तुम ऐसा नहीं कर सकती रोजी। क्या? ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो प्रिंसिपल के पास मेरी कंप्लेंट करने जा रही थी, बस मैंने तो उसे रोकना चाहा। इतने में वो फिसल कर गिर पड़ी और उसके पेट में रॉड घुस गया, बस मर गई। अब तो पुलिस भी आएगी, अब क्या होगा? चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें लाश को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। और इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। और इस बात का अगर पुलिस को पता चला तो हम सब लोग तो पकड़े जाएंगे। सूरज ठीक कह रहा है, समझदारी इसी में है कि लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाया जाए, सही है ना? चलो साथ चलते हैं, चलो। हाय सपना। हाय राहुल, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? फाइन। चलो पार्टी में चलते हैं। नहीं राहुल, मेरा मूड नहीं है। सपना, ये पार्टी उन लोगों ने खास तौर पर हम लोगों के लिए रखी है, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उन लोगों का दिल टूट जाएगा। किसी का भी दिल टूटे, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। ओ, ओ, अगर पार्टी में चलोगी तो तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। सपना प्लीज, पार्टी में चलोगी ना? किस कंबख्त का फोन इसी वक्त आना था? हेलो। हेलो साहब, अरे मैं काशीराम बोल रहा हूँ। हाँ काशीराम बोलो। अरे राखी डायरी लेकर आई है। क्या? जब वो बाहर गई थी तो वहाँ से डायरी लेकर आई थी और उसने उस डायरी को अपने कमरे में छुपा के रख दी है। उस पे नजर रखो। ठीक है साहब। वो डायरी राखी के हाथ लग गई जिसमें मेरे बेवकूफ भतीजे ने अपनी जिंदगी का हिसाब लिखा था। इससे पहले वो डायरी इंस्पेक्टर के हाथ में लगे, हमें वो डायरी हासिल करनी होगी। हेलो सक्सेना साहब, वो डायरी राखी को मिल गई है, आगे क्या करना है? ठीक है, डायरी किसी के हाथ न लगे, डोंट वरी। ओके देखो मैं पूना जा रही हूँ अपने हस्बैंड से मिलने, तुम में से कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं जाएगा, अपने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करो, समझे? जी मैडम। और कोई भी ऐसी वैसी बात मेरे कानों तक पहुँची तो तुम में से कोई भी परीक्षा देने के काबिल नहीं रहेगा, अंडरस्टैंड? गुड बाय।
बाय। कौन? हाय, मैं टीना बोल रही हूँ। ओ तुम? तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? वो आपके दोस्त से मिला। जी हाँ जी हाँ। पर अपने दोस्त को कुछ नहीं बताया? हाँ मैं अपने दोस्तों को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो शाम को 5 बजे मिलते हैं? हाँ पहुँच जाऊंगा। पक्का? या ओके यस ओके बाय। या मैं इस मीटिंग के बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताऊंगा। यू आर इंटेलिजेंट मिस्टर विजय, यू आर इंटेलिजेंट। हाय। ओ हाय, क्या बात है डार्लिंग, बहुत लेट कर दिया आपने। बस यूं ही डार्लिंग, रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया था इसलिए लेट हो गया। आपको क्या पता मैंने एक एक पल कैसे गुजारा तुमने है। तुमने मुझे यहाँ बुलाया, आपके इंतजार में कितना खुश हूँ। कितनी बेचैन थी मैं। सुनो एक मिनट में आई। हाँ डार्लिंग, आज मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। क्यों डार्लिंग, क्या इससे पहले मैंने तुम्हें कभी इतना प्यार नहीं किया? ऐसी बात नहीं है, पर आज तुम्हारा प्यार देखकर मुझको बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें अभी खुशी हो रही है और मुझे तुम्हें भगवान के पास भेजने के बाद खुशी होगी। तुमने कुछ कहा? नहीं तो, मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों ना इसका गला दबा के इसकी पूरी कहानी अभी की अभी खत्म कर दूं? ये क्या कर रहे हो? हाँ मैं तुम्हारे गले का नाप ले रहा था, तुम्हारा बर्थडे आ रहा ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक अच्छे सा हार बना दूं। तुम्हारा हाथ क्यों रुक गया? मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। ये दिल तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ, अब क्या चाहिए? तुम्हारी जान। जान भी तुम्हारी है, जब चाहे ले लो। सर बोलो क्या काम है? 300 तो कह रहा था कि जब राहुल का खून हुआ तब मैडम पुणे गई हुई थी। हाँ लेकिन तुम क्यों पूछ रहे? सर उस दिन मैडम पुणे वुना कहीं नहीं गई थी, उन्हें तो मेरे भाई ने पनवेल के होटल में देखा था, वहाँ मेरा भाई वेटर है। What? क्या क्या कहा आपने, मैंने राहुल का खून किया है? जी हाँ मैडम, आपने राहुल का खून किया है, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैं पुणे जा रही हूँ, जबकि आप पुणे नहीं अपने पति के साथ पनवेल के होटल ब्लू डायमंड में आप गई थी। Am I right? हाँ ये सच है कि मैं पुणे नहीं बल्कि पनवेल गई थी, और वो इसलिए क्योंकि जाते वक्त मैंने अपने घर फोन किया था, मेरे नौकर ने मुझे बताया कि मेरे पति होटल ब्लू डायमंड में ठहरे हुए हैं, जाते वक्त मैंने उनसे भी बात की थी, और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी आपको एसटीडी का बिल दिखा सकती हूँ। तो फिर मैडम आपने हमसे झूठ क्यों बोला था? जब मैंने राहुल की लाश अपनी अलमारी में देखी तो मैं डर गई, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला। अच्छा सलीम, मैंने तुम्हें यहाँ मेरी वाइफ मैरी का कत्ल करने के लिए बुलाया है, और उसकी कीमत मैं 25 लाख रुपए दूंगा। लेकिन डिसूजा साहब,
मैं एक बात पूछूं, आप अपनी वाइफ को क्यों मारना चाहते हैं? ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन निसुजा साहब, जब तक ये आपका सलीम काम का अंजाम जब तक जानेगा नहीं, तब तक करेगा कैसे? सुनो, मेरी वाइफ मैरी करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन है, और उसका कत्ल करने के बाद सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊंगा, मैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आप चिंता न करिए डिसूजा साहब, आपका ये काम हो जाएगा। चल साहब। कहिए क्या बात है? डायरी कहीं नहीं मिली। डायरी नहीं मिली? ओ आओ मेरे साथ। जी अंगड़ाई है, ऐसा लगता है मैं यही मर जाऊं। तेरी जान ही तो चाहिए मुझे। तो ले डालना। तो दे डालना। रुक 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 रुक। एक मेरी बात सुन। क्या? वो काशीराम है ना, उसकी बातों में मत आना। वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है। ये तो मैं जानती हूँ, कोई नई बात करना। काशीराम तुम्हारे लिए रसगुल्ले लेकर आ रहा है, और उसने उसके अंदर कुछ मिलाया है। अच्छा सच? हाँ? ये बात है, आने दो से, मैं अभी बताती हूँ। क्या तूने अपनी आँखों से उसे देखा था? हाँ, हाँ, हाँ। या किसी और की आँखों से देखा था? तुम्हारी कसम लक्ष्मी। ठहर जा, आने दो से, मैं बताती हूँ काशीराम को। अच्छा तो यही रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ? डार्लिंग। डार्लिंग मत कहो। क्यों? अरे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अपनी बीबी को डार्लिंग कहकर ही तो बुलाते हैं। शादी के बाद, शादी से पहले नहीं। अच्छा लक्ष्मी डार्लिंग, हे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रसगुल्ला। तो लो खाओ ना। खिलाओ ना। ये क्या कर डाला? अरे सारे के सारे रसगुल्ले गिरा दिए। कोई बात नहीं, आगे से मैं तुम्हारे लिए
बड़ा सा तरबूज लेकर आऊंगा। तरबूज? इसको क्या हो गया? क्या सोच रहे सपना? मुझे नहीं, सोच रही थी कि कहीं इन सब कामों के पीछे राहुल के चाचा का तो हाथ नहीं। लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि राहुल के चाचा ने उसे शराबी और लड़कीबाज बना दिया था, और दौलत के लिए उन्होंने राहुल को रास्ते से हटा दिया होगा। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन कोई सबूत हाथ लगे तब कुछ हो सकता है। भगवान पे भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ठीक है। इंस्पेक्टर विजय सर, मैंने तुम्हें गर्ल्स हॉस्टल में हो रही मौतों की छानबीन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी सर, और तुम उसी हॉस्टल की किसी लड़की से इश्क लड़ा रहे हो, जबकि तुम्हारी तहकीकात किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। सर, मैं बहुत जल्द उन कातिलों को आपके सामने पेश करूंगा। सर, दो चार दिन की मोहलत चाहिए सर। ठीक है, मैं तुम्हें और 3 दिन की मोहलत देता हूं, वरना मुझे मजबूर होकर एक केस इंस्पेक्टर दीवान को सौंपना पड़ेगा। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। हेलो डार्लिंग। आपसे मिलने की तमन्ना तो कब से है मेरे दिल में। हमें भी तुमसे मिलने की बहुत तमन्ना है, लेकिन आप है कि आपको फुर्सत ही नहीं है। हमें तो फुर्सत ही फुर्सत है। बताइए कब मिल सकती हूँ? तुम चाहो जब आप मुझे बुला ले तो ठीक है, आ जाओ। हम जरूर आपसे मिलना चाहेंगे। तो आ जाओ। सच में मैं बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, हम तो तुम्हारे लिए कब से बेकरार हैं। सच में? बिल्कुल मेरी जान। तो फिर मिलते क्यों नहीं? बताओ कब मिलोगी, मैं तो तैयार हूँ। मैं तो आपसे मिलने के लिए बेताब। मैं भी बहुत बेताब हूँ। मिलेंगे मुझसे? मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बस आप याद करो और मैं आपके सामने। रियली? तो आ जाना फिर। अब आप जरा आंखें तो खोलिए। Hey, what a surprise! तुम यहाँ कैसे? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ। क्यों नहीं? आप ही का घर है, हम भी आपके हैं भाई। अच्छा, यू नो करीना, मैं चाहती थी आपको सरप्राइज दूँ। वेरी गुड। पता है करीना, जब से मैंने तुम्हें पार्टी में देखा है, मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया। दीवानी तो मैं भी हो गई आपकी। कम ऑन करीना। मैं जानता हूं तुम डायन नहीं हो, एक लड़की हो। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने? हाँ इंस्पेक्टर, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा, मेरा मकसद पूरा हो गया है अब। और मैंने डायन का ये नकाब इसलिए पहना क्योंकि लोगों को लगे कि ये मर्डर किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी डायन ने किया है। मैं ये जानती थी कि ये रिपोर्ट आपके पुलिस स्टेशन में आकर लिखवाती तो उससे कुछ नहीं होने वाला था, और मुझे ये भी पता था कि आपके पुलिस वाले कुछ नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैंने कानून को अपने हाथ में लिया। आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या किया बेटी तुमने? क्या किया? अपराधियों को सजा देने के लिए कानून है, पुलिस है, लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? कानून? ये कानून क्या होता है? ये कानून कुछ नहीं करता। यहाँ रोज लड़कियों के बलात्कार होते हैं और उन लड़कियों को कभी इंसाफ नहीं मिलता, और ये बलात्कार करने वाले लोग समाज में मौज मस्ती ऐश करके जीते हैं। जिस लड़की का बलात्कार होता है उसको समाज वाले चैन से जीने नहीं देते, और वो लड़की
खुदकुशी कर लेती है, इसलिए मैंने उन चारों को जान से मार डाला और अपना इंसाफ किया। बेटी तुम्हारी सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना कितना बड़ा गुनाह है। कोई गुनाह नहीं किया मैंने, सिर्फ इंसाफ किया। तुम्हारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है बेटी, मुझे इस बात का दुख तो होगा कि तुम्हें सजा मिलेगी और मुझे तुम्हारे बिना रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व भी है कि तुमने उन अपराधियों को अपराध करने की सजा दे दी। आखिर ऐसे अपराधियों को सजा देना ही चाहिए। तुमने ठीक किया। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पे गर्व है, तुमने जो भी किया ठीक किया। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलो रखी। राहुल की वो खुफिया डायरी मुझे मिल चुकी है। क्या डायरी मिल गई? हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है मैं आपका इंतजार करती हूँ। किसके पास है डायरी? मैडम को हम देख लेंगे। डायरी चाहिए इसे ले लो डायरी। ये लो डायरी। चल डायरी देती है कि नहीं? एक मिनट एक मिनट। जिसने भी अपनी माँ का दूध पिया है ना वही ये डायरी लेकर जाएगा। ए भाई आप बस एक दूसरे को मारो, जो जीतेगा उसी डायरी लेकर। ये लो ये लो पकड़ो डायरी। दे चाहिए डायरी। अब ले तू ले ले तेरी बारी ले ये ले ले आजा 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 तेरे दे दे तुझे भांगड़ा आता है चल जो ना दे दे चल ये ले 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 नाच ले आजा तेरे दे दे तुझे डांडे आता है चल थोड़ा बहमिया ले 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 चल अब आ जा चल दलेर मेहंदी की तरह। हाँ चल नाच 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 बहुत अच्छे। हाँ नाच नाच बल्ले 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 बोल बोल तुझे किसने भेजा थे यहाँ? डिसूजा साहब ने भेजा मुझे। क्या हाँ। क्या कहा था उन्होंने बोल? उन्होंने कहा था कि मैडम को मारकर अगर डायरी ले आओगे तो मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा। ये देखा मैडम, आपका पति ही आपको मरवाना चाहता है। मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता, मुझे यकीन नहीं है। बिल्कुल सही कह रही राखी, मैंने मैरी से कभी प्यार नहीं किया। मैंने प्यार किया तो उसकी दौलत से, उसके हुस्न से, और इस प्लान में राहुल भी मेरे साथ था। मैंने मैरी के मां को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए एक्सीडेंट के जरिए उसे हमने मरवा दिया और लोगों ने उसे एक दुर्घटना समझ लिया। मैंने मैरी को बहुत समझाया, डराया, धमकाया लेकिन वो नहीं समझी, इसलिए आज मैं यहां मैरी को मारने के लिए आया था। दौलत की लालच में
मैं मेरी के प्यार को नहीं समझ पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। कानून जो सजा देगा वो मुझे मंजूर होगी। आई एम सॉरी मैरी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया, सच्चाई पर से पर्दा उठ गया, अब तुम्हारी भलाई इसी में मिस राखी कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्या वो रोज की आत्मा नहीं राखी तुम थी? हाँ, अब तुम सब कुछ जान गए हो ना। तुम्हारी सच्चाई के ऊपर से झूठ का नकाब उठ चुका है, बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ राखी, लेकिन झूठ भी इंस्पेक्टर, आप राखी को गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि इसमें राखी की कोई गलती नहीं, इसने सब कुछ मेरे कहने से किया, क्योंकि मैंने राहुल, संगीता और किरण का खून किया, क्योंकि उन हराम घोरों ने मेरी भतीजी का खून किया था। ओ प्लीज यू लीव हर, आई से लीव हर। यस इंस्पेक्टर, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। एक दिन जब मैं घर से सैर के लिए निकला तो मैं गश्त खाकर गिर गया और कुछ अनजान लड़कों ने मुझे अस्पताल तक पहुंचा दिया। होश आने पर अपने आप को वहां देखा तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखाने चला गया। पुलिस स्टेशन जाने के बाद मैंने देखा कि सामने लॉकअप के अंदर जॉन बैठा हुआ है, और मुझे जब जॉन दिखा दिया तब मुझे अपने आप को लॉकअप के अंदर डालना जरूरी हो गया। इसकी वजह से मैंने एक हवलदार की पिटाई कर दी, और जब मैं लॉकअप के अंदर पहुंच गया तब मैंने गलत हो पूछा उसका, और जान ने सब कुछ उगल दिया। बोल बोल बोल, उसको किसने मारा था? बताता हूँ बोल, बताता। उसे राहुल, सपना और संगीता ने मिलके मारा है। बस, और मैं सच्चाई जान गया, दैट्स ऑल। अंकल जॉन, मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं, मैं भी राखी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन इसने खून करने में आपका साथ दिया अंकल जॉन, इसलिए कानून तो इसे सजा देगा ही, इसने जुर्म किया है। राखी, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं जब तक तुम्हारी सजा खत्म नहीं हो जाती मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो मेरे साथ। ओ हेलो इंस्पेक्टर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा इंस्पेक्टर, वो डायरी तो आपको मिल गई होगी जिसकी आपको तलाश थी? जी हाँ सर, डायरी भी मिल गई और कातिल भी। तो फिर तो आपको उस डायरी से पता चल गया होगा कि असली कातिल राहुल का चाचा है। नहीं सर, राहुल का कत्ल रोज के पिता जॉन और उसकी जुड़वा बहन राखी ने किया। वो देखिए सर। ओ, अच्छा हुआ आपको असली कातिल मिल गया, वरना मुझ पे शक करके अपना वक्त बर्बाद करते आप। नहीं सर, वक्त तो मैंने आपका बर्बाद किया। कोई बात नहीं है, तो आप लोगों की ड्यूटी है। जय माता दी। थैंक यू सर।